क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि समुद्र के अंदर की दुनिया दिखती कैसी होगी? मुझे ये मौका मिल जाता है हैवलॉक आइलैंड के अंदर, जो कि है अंडमान में। सो मैं इस वीडियो में आपको ले जाना चाहता हूँ अपने इसी एक्सपीरियंस में। एंड इस वीडियो में मैं आपको दूंगा स्कूबा डाइविंग से रिलेटेड हर एक डिटेल। हम लोग आ रहे हो तो कहाँ पे जाके स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, कौन सी स्कूबा डाइविंग करनी चाहिए, शोर डाइविंग करनी चाहिए, फिर डीप डाइविंग करनी चाहिए, इन सब सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ये जो मैंने स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस बुक किया है वो किया है इको डाइवर्स के थ्रू। अगर आप लोग को भी कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में देकर रखूंगा, सो आप लोग वहां से जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां जाते ही उन्होंने हमारा स्वागत किया, वहां पे सारी ब्रीफिंग दी, उसके बाद हमें यहाँ पे वेट सूट, फ्लिपर्स एंड मास्क प्रोवाइड किया। सो आ चुका हूँ इसमें लोकेशन पर, एंड यहाँ पर जैसे भी मैंने फॉर्म फिल किया है डिक्लेरेशन के लिए, सेल्फ हेल्थ डिक्लेयर करके फॉर्म है वहाँ पे मैंने फिलअप किया है, एंड जैसे भी वही सब प्रोसेस हो रहा है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन मैं आपको गूगल मैप की दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर ओवरऑल ऐसे ही बताऊँ मैं लोकेशन, तो आप लोग जो हैवलॉक के पोर्ट पे जाओगे उसी के जस्ट बीच में आपको ये लोकेशन मिलती है जहाँ पे मैं आया हूँ। एंड इस तरह के खूब सारे आपको स्कूबा डाइविंग के आपको शॉप्स दिखेंगे पूरे रास्ते पर। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी पता करिए, प्राइसेस कंपेयर करिए, उसके बाद जो अच्छा लगे वहाँ पे करिए। सारा प्रोसेस करवा लिया और इसमें बीच के पास हूँ। यहाँ पीछे वहाँ पे रखे हुए हैं सिलेंडर एंड बाकी इक्विपमेंट जो है वो सब वहाँ पे रखे हुए हैं, उधर बैठे हैं बाकी लोग। इसके बाद हम लोग को स्विम सूट, बूट्स एंड गॉगल्स दिए गए। तो चलो मैं तैयार हो जाता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो पूरी ये ड्रेस पहन ली है मैंने, कुछ इस तरह की दिख रही है यहाँ पे। सो ये कुछ ड्रेस ऐसे है पूरी। सो मैं रेडी हो चुका था यहाँ पे, पूरा अपना स्विम सूट, बूट्स एंड गॉगल्स और बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब भी रेडी हो चुके हैं, और साथ में है इंस्ट्रक्टर भी। दीज आर दी एक्स्ट्रा वेट जो कि आपके वेट के हिसाब से वो लोग लगा देते हैं। व्हाट आई थिंक कि बायोन्से के लिए ये लोग यूज करते होंगे वेट्स। सब एकदम स्लिम लग रहा है। सो वी वर ऑल रेडी। जैसे कि ये शोर डाइविंग है सो हम लोग को वॉक करके जाना पड़ेगा रीफ्स की तरफ। सो चलो मैं वहाँ पे चलता हूँ, बाकी की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ पानी के अंदर से कि यहाँ पे पानी कितना साफ है। फिलहाल मैं अपना कैमरा नहीं ले जा पाया, बट एक्शन कैमरे में अंदर के मोमेंट सारे कैप्चर हुए हैं। सो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो और आपको दिखाता हूँ पानी के अंदर के सारे मोमेंट्स। और एक और बात, जब मैं अंदर गया तो यहाँ पे हम लोग को 10 से 15 मिनट पूरा समझाया गया, ब्रीफिंग दी गई, उसमें सारे इशारे बताए गए कि आपको अगर पानी के अंदर कुछ भी इशारा करना हो, लाइक बोल तो पाओगे नहीं, तो सारे इशारे उन्होंने समझाए। सो ओवरऑल पूरी सेफ्टी ब्रीफिंग 10 से 15 मिनट का पूरा वहाँ पे उन्होंने हम लोग को समझाया, उसके बाद डाइविंग के लिए ले गए थे। तो चलो तैयार हो जाओ समुंदर के अंदर की दुनिया देखने के लिए, और इसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा स्कूबा डाइविंग से रिलेटेड। पानी के अंदर आके एक अलग ही एहसास होने लगा था पूरी बॉडी में एंड पूरे विजुअल्स में, बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर लग रहा था, ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। और जितना मैं डीप जा रहा था ओशियन में, मैं उतना ही अमेज्ड हो जा रहा था पूरे कोरल रीफ से और पूरी मेरी लाइफ को देखकर, जिनका घर वो पूरा समुंदर है। हम लोगों को यहाँ पर टोटल 3 कोरल रीफ्स दिखाई, एंड आप देख सकते हो कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इतना क्लियर वाटर, इतनी प्यारी कोरल रीफ्स, उतनी प्यारी मेरी लाइफ को मैंने पहली बार विटनेस किया अपनी आँखों से। पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा, एंड मैं अपने आप को काफ़ी खुश नसीब मान रहा हूँ कि मैंने ये सब विटनेस किया अपनी आँखों से। ये ऐसी फीलिंग है जो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आपको नाक से लेनी है, ये सबसे बड़ी चीज है। बाकी सब ड्राइवर संभाल लेंगे आराम से, बट आपको ध्यान रखना है कि मुंह से सांस लेनी, बस दैट्स इट। सुनने में आपको आसान लग रहा होगा, बट जब आप करोगे ना तब आपको माइंड पे फोकस करना होगा ताकि मुंह से सांस लो। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मैं भूल ही गया कि मेरे दम क्यों घुट रहा है, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि यार सांस तो लूंगा तब आएगी ना, तो फिर तुरंत मुंह से सांस लिया। ट्रेनिंग रहती 15 मिनट, उसमें आराम से अच्छे से फोकस करके ट्रेनिंग करो, बस बाकी सब अमेजिंग होने वाला आपका। चलता हूँ, जाता हूँ, चेंज करता हूँ कपड़े और उसके बाद बताता हूँ आपको बाकी सारी डिटेल्स। Diving is so special for our brain. I think it's similar to meditation, you know. When did you started this? I started in Spain. How long back? 5 years or 7 years ago. I don't remember now. No, 6-7 years ago. Yeah. This is my life. Nice. Traveling to different part of the world and diving. Here is the best place to the first diving. It's so easy.
So easy. But coral life was amazing. Yeah. Very beautiful. And you see the clam fish? Yes. Yeah. No, this is small. This is small. Very small. Very small. एंड मेरे को मौका मिलता है वहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, तो चलिए एंजॉय करिए आप भी यहाँ के कुछ शॉट्स। सो कुछ ऐसा नज़ारा मैंने देखा ड्रोन से। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं स्कूबा डाइविंग से रिलेटेड हर एक डिटेल। चलिए अब डिस्कस करते हैं थिंग्स टू नो बिफोर स्कूबा डाइविंग। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि अगर आप लोग को स्कूबा डाइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, आप लोग हैवलॉक में जाएंगे एंड हैवलॉक में स्कूबा डाइविंग के खूब सारे रोड्स पे ही आपको शॉप्स दिखेंगी। वो ऑफिशियल वेंडर्स रहते हैं बेसिकली, एंड उन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि कोई एक ही संस्था है या फिर एक ही कोई ग्रुप है जो कि कराता है। अलग अलग शॉप्स, अलग अलग वेंडर्स अपने एक्टिविटीज़ कराते हैं। सिर्फ आपको वहाँ जाना है, उनसे पूछना है कि आपके जो डाइवर्स है वो पार्टी सर्टिफाइड है या फिर इंटरनेशनल सर्टिफाइड है या नहीं है। यहाँ पे बेसिकली तीन सर्टिफिकेशन चलते हैं, एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, एक चलता है नेशनल सर्टिफिकेट और एक देसी वाले, लाइक जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता बट एक्सपीरियंस होता है। सो मेरा सजेशन रहेगा अगर आप लोग का पहली बार है देन इंटरनेशनल सर्टिफाइड वालों के पास ही जाएं। यूजली जितनी भी आपको शॉप्स मिलेंगे, वेंडर्स मिलेंगे, उनमें सब सर्टिफाइड होते हैं इंटरनेशनली। एंड अगर आप लोग को स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाहिए देन सुबह वाला बैच लीजिएगा जो 6 या 7 बजे चलता है। उसका फ़ायदा ये मिलेगा, वाटर काफ़ी सेटल रहता है एंड हर एक चीज़ क्लियर रहती है और मछलियाँ भी सुबह आपको काफ़ी अच्छी दिखती हैं। लाइक ऐसी ऐसी मछलियाँ दिखेंगी जो शायद उस दोपहर में ना दिखें आपको। सो अगर सुबह का बैच लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। डाइविंग दो तरह की होती हैं, एक होती है शोर डाइविंग, एक होती है डीप डाइविंग। शोर डाइविंग वो होती है जिसमें आप पानी में चल के जाते हैं, देन डीप होता है, देन वहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पैदल ही आप जाओगे, जब डीप होने लगेगा देन आप स्टार्ट करोगे अपना एक्चुअल डाइविंग। और डीप डाइविंग क्या होती है, डीप डाइविंग में आपको बोट लेंगे, बोट पे बैठाएंगे, देन डायरेक्टली जाएंगे गहरे पानी की तरफ और वहाँ से आपको कूदाएंगे पानी के अंदर। सो दोनों में यही डिफरेंस था, बाकी आप जो भी आपको प्रेफर लगे आप वो कर सकते हैं। मेरे को शोर डाइविंग अच्छा लगा ज़्यादा, उसका एक तो कॉस्ट कम था एंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। मैंने 3 कोरल रीफ्स देखी हैं एंड 45 मिनट्स मेरे को लगा पूरी 3 कोरल रीफ्स देखने में। सो बाकी डीप डाइविंग का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है और डीप डाइविंग थोड़ी सी महंगी होती है कंपेयरिंग विद सरफेस डाइविंग। एंड जो शॉप्स होती हैं उनका कभी कभी अलग अलग प्राइसिंग भी रहता है, कभी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रहता है। जैसे कि मैं जहाँ गया था वो 1500 में भी स्कूबा डाइविंग करा रहे थे एंड वो 10 से 15 मिनट करा रहे थे केवल, और एक कोरल रीफ दिखा रहे थे। अगर आप लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं तो उनसे कंप्लीटली पूछ लीजिएगा कितने कोरल रीफ्स दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसकी टाइम फ्रेम अलग अलग रहता है, कोई 3 दिन करता है, कोई 1 महीने करता है, कोई 5 महीने करता है, जो कि बिल्कुल एक क्लास होता है। सो इस तरह के यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। अगर आप लोग को करना हो देन आप लोग ऑनलाइन जाके रिसर्च कर सकते हैं, उनसे बात करिए, डिस्कस करिए हर एक चीज़ एंड फिर आप बुक कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि ये सब बहुत महंगे होते हैं। सो अगर आप लोग बुक कर रहे हैं इसका मतलब कि काफ़ी खर्चा होने वाला है। प्राइसिंग की जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन करके रखी है, लोकेशन से लेके प्राइसिंग तक। सो डिस्क्रिप्शन पढ़ना ना भूले एंड चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस यही था पूरी वीडियो के लिए। आई होप कि पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो। आइए तो नीचे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलता हूं मैं आपसे जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। टाटा।